अगर आपके दांत मिसिंग हैं या किसी कारणवश आपने उनको निकलवा लिया है, तो उनको रिप्लेस कराने के क्या तरीके हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हो सकते हैं, किस टाइप के दांत होते हैं, उनका खर्चा कितना आता है, समय कितना लगता है उनको लगाने में, कौन सा बेस्ट है, और हमारे को क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है किस टाइप के दांतों के। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा फ्रॉम सैनिक डेंटल क्लिनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मिसिंग टूथ को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं और हमारे लिए सबसे सूटेबल कौन सा हो सकता है। अब मैं इनके टाइप्स बताता हूँ आपको। मोर और लेस इनके चार वेराइटीज़ होते हैं। सबसे पहला RPD, दूसरा कास्ट पार्शियल डेंचर, तीसरा FPD और चौथा जो सबसे नया टेक्निक है इम्प्लांट। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं RPD की तरफ। RPD जैसा कि आप देख रहे हैं एक प्लास्टिक टाइप की बॉडी होती है। रिमूवल पार्शियल डेंचर इसको बोलते हैं। रिमूवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसको अपने विल पे निकाल सकते हैं और पहन सकते हो। दोस्तों, ये सबसे पुरानी टेक्निक चली आ रही है, बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। जब एडवांस टेक्निक्स नहीं हुआ करते थे तो बहुत साइंटिफिक रिसर्चेस नहीं हुआ करते थे। बहुत आसान होता है इसको फैब्रिकेट करना। एक दिन में नाप लिया जाता है और हो सकता है 2 से 3 दिन में यह बन के तैयार हो जाती है। इसके कॉम्पोनेंट होते हैं, एक प्लास्टिक कॉम्पोनेंट होता है, प्लेट होता है, दूसरा एक्रेलिक के दांत होते हैं। कभी कभी इसमें हम पिन का भी प्रयोग करते हैं जो कि हमारे को सपोर्ट देते हैं। जितने फायदे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा इस दांत के नुकसान हैं। RPD लगाने से आपके दांत कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फ्रीक्वेंट अल्सर्स भी इस दांत से बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये अगर प्लास्टिक की बनी हुई है तो ये आपके मसूड़ों पे चुभेगी। अगर कोई हार्ड चीज़ खा रहे हैं, अननोइंगली आपने बहुत हार्ड बाइट ले ली तो आपको अल्सर हो जाएगा। तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। इसको बनाने में खर्चा कितना आता है? बनाने में इसका खर्चा वेरी करता है क्लिनिक टू क्लिनिक। ये शुरू हो जाता है 800 से 1000 रुपये, 1500 रुपये पे। यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपको ध्यान देनी है। आप अगर किसी क्लिनिक में जाते हो और आपके डेंटिस्ट ने बोला है कि ये हम बना रहे हैं, इस टाइप की चीज़ बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना कि ये रिमूवेबल ही हो, इसको चिपकाया ना जाए। अगर इसको चिपकाया जाएगा तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये रिमूवल पार्शियल डेंचर है तो इसको रिमूवल ही रहने दीजिए, इसको चिपकाना नहीं है। इसी में एक दूसरी वैरायटी आती है, जैसे कि यह हार्ड है तो एक फ्लेक्सिबल डेंचर होता है जो कि आप ऐसे बेंड करेंगे तो मुड़ जाएगी। कंपैरेटिवली इससे बेटर वो होता है। आइए अब हम दूसरे वैरायटी की तरफ चलते हैं जिसको हम बोलते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर। फिक्स पार्शियल डेंचर इसलिए बोला जाता है, इसको हम ब्रिज भी बोलते हैं। ब्रिज इसलिए बोलते हैं कि जैसे एक पुल में दोनों तरफ खंभे होते हैं सपोर्ट के लिए और बीच में चलने की जगह होती है, उसी तरीके से FBD होता है। FPD में साइड के दोनों दांतों को छोटा करके उनका सपोर्ट लिया जाता है, जैसा कि आप इस डमी में देख रहे होंगे। दोनों साइड के दांतों को थोड़ा सा घिसा गया, उसके बाद इस पे कैप चढ़ेगी और बीच में दांत लग जाएगा, इसीलिए इसको हम ब्रिज बोलते हैं। दोस्तों, ये एक अच्छी टेक्निक है। एस्थेटिकली बहुत अच्छी है, फंक्शनली भी बहुत अच्छी है। 99.9% लोग इसे ही लगाते हैं एंड डेंटिस्ट भी बोलते हैं कि ये अच्छी चीज़ है। इसको लगाने में खर्चा कितना आता है? दोस्तों, प्रति दांत ये 3000 से 6000 तक जाता है ये। अब इसमें दो वैरायटी आती है, एक होती है PFM जिसको हम पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल बोलते हैं। ऊपर पोर्सलिन है, अंदर मेटल होती है इसके। और दूसरा है जिरकोनिया जिसको मोनोलिथ बोलते हैं, अंदर सेम बाहर सेम। इसको हम एस्थेटिक क्राउंस भी बोलते हैं, मेटल फ्री बोलते हैं क्योंकि मेटल होती नहीं है। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली मैं आपको कहूँगा कि आप जिरकोनिया की तरफ जाओ, मेटल फ्री की तरफ जाओ, क्योंकि मेटल वाले दांत किस लिए लगवाने। मेटल वाले दांत का एक नुकसान ये होता है PFM वाले दांत का कि ये मसूड़ों के अगर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कुछ सालों के बाद आपके मसूड़े ब्लैक हो जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया इनको बनाने का खर्चा कितना आता है, 3000 से 6000 तक आता है। उस जिरकोनिया को बनाने का खर्चा 6000 से 12000 तक आता है। इनको बनाने के लिए साइड के दांतों को थोड़ा छोटा किया जाता है, तो एक इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो जाए। अगर सेंसिटिविटी थोड़ा लंबा परसिस्ट करेगी तो हमारे को ना चाहते हुए भी सपोर्ट दांतों की RCT करनी पड़ेगी। तो ये था FPD का नुकसान और फ़ायदा। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि नुकसान से ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, तो आप ऑब्वियसली इसके तरफ जा सकते हैं। ये दांत कम से कम आप मान के चलिए अगर अच्छे से बने हैं तो 15 से 20 साल तक चलेंगे, या हो सकता है उससे भी अच्छे चले अगर आप उसको मेंटेन करते हो, अपना हाइजीन मेंटेन करते हो। फ्रेंड्स,
अब मैं आ रहा हूँ दांत लगाने के सबसे न्यू तरीके की तरफ, जो सबसे एडवांस टेक्निक है, जिसको हम इम्प्लांट्स बोलते हैं। इम्प्लांट्स कहते ही सबके दिमाग में सबसे पहले आता होगा कि पता नहीं कोई सर्जरी होती होगी, कोई स्क्रू हमारे हड्डी में ड्रिल कर दिया जाता होगा, पता नहीं कितना दर्द होगा, उसको हील होने में कितना टाइम लगेगा, खर्चा बहुत आता होगा, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी मिथ्स है दोस्तों। अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको कौन से दांत बेस्ट लगते हैं, तो मैं कहूँगा कि इम्प्लांट सबसे अच्छे होते हैं कंपेयर टू ऑल द 3 वैराइटीज दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इम्प्लांट सबसे अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि इम्प्लांट लगाने के लिए आपके साइड के दांतों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा, उनको बिना घिसे ही हम इंडिपेंडेंटली वहीं पर वो दांत लगा सकते हैं स्क्रू के सहारे। इम्प्लांट बॉडी होती है जो आपकी बोन में चली जाती है, अबटमेंट होता है जिसके ऊपर हम दांत बना के लगा देते हैं। साइड के दांतों को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया, तो सेंसिटिविटी के कोई इशू नहीं है। फंक्शनली ये दांत बेस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। लगाने में इनको टाइम कितना लगता है दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जिस दिन आप दांत लगाते हो, इट इज़ बेटर कि आप उसी दिन इम्प्लांट लगवा लो, क्योंकि आप डबल सर्जरी से बच जाओगे। मान लीजिए आपने अपने दांत लगवाए, फिर आप 3 महीने वेट करेंगे, फिर इम्प्लांट लगेगा, फिर 3 महीने लगेगा उसके ऊपर दांत लगाने में। तो ये अच्छा होता है कि जिस दिन आप दांत निकलवाते हैं उसी दिन आप इम्प्लांट को लगवा लें। इम्प्लांट का खर्चा कितना आता है? इम्प्लांट का खर्चा 20,000 से 35,000 प्रति इम्प्लांट आता है। अब ये वेरी क्यों करता है? वेरी इसलिए करता है कि अलग अलग कंपनीज इसको बनाती है। चाइनीज़ इम्प्लांट होते हैं, इसराइली इम्प्लांट होते हैं, कुरियन इम्प्लांट होते हैं, जर्मन इम्प्लांट्स होते हैं। इसी के हिसाब से इनका खर्चा होता है, प्लस आपके सर्जन का हाथ कैसा है, कैसी उनकी एक्सपर्टीज़ है, कैसा क्लिनिक एम्बियंस है, इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों आपको मैंने सारे वैरायटीज़ बता दी। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि इम्प्लांट इज़ द बेस्ट, क्योंकि इम्प्लांट में आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने जा रहा है। थोड़ा सा कुछ टेस्ट होते हैं, अगर मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, या किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या किसी को कोई बोन डिफेक्ट है, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। बिना ब्लड टेस्ट किए हम इम्प्लांट नहीं करने जा रहे हैं। CBCT कराते हैं, एक्सरेज कराते हैं, जिसमें हम नस देखते हैं कि अगर प्रॉपर ये सारी चीज़ें आप फुलफ़िल कर रहे हो तभी हम इम्प्लांट लगाते हैं। दांत लगाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? दांत लगाना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ अगर आपका कोई दांत मिसिंग है और आपने उसको रिप्लेस नहीं कराया, तो उसका ऊपर वाला दांत लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसको टकराने के लिए कोई ना कोई दांत तो चाहिए, प्लस साइड वाले दांत जो हैं वो हिल जाएंगे। तो रिप्लेस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिप्लेस नहीं कराते हैं तो एक साथ हमारे 3 दांत ख़राब हो रहे हैं। इस चीज़ पर दोस्तों मैं आगे वीडियो बनाऊँगा, जिसको आप ज़रूर देखना। तो ये तो थी कि दांतों को कैसे रिप्लेस किया जाता है, कितने वैराइटीज़ हैं, कौन से दांत होते हैं, क्या टेक्निक होती है, खर्चा कितना आता है, कितना समय लगता है। अगर आपको आगे भी दांतों से रिलेटेड कुछ भी वीडियो अगर देखना है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।